इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। लॉकडाउन में शुरू हो रहे पवित्र माह रमजान में भी मुस्लिम धर्मगुरु ने घरों में रहकर इबादत करने की अपील। खबर अयोध्या से। मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान पड़ रहे इस पवित्र महीने में मुस्लिम लोग रात में मस्जिदों में जाकर तरावीह की नमाज अदा करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस बार लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इस बाबत जानकारी देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद आसिफ फिरदौसी ने कहा कि इस्लाम के कानून के मुताबिक यदि कोई बीमार या कैद में है तो उसकी जुमा की नमाज माफ मानी गई है, और इसीलिए तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन के मद्देनज़र जुमे की नमाज के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग अपने अपने घरों में जुहर की नमाज अदा कर लें। जबकि इस्लाम के कानून के मुताबिक कोई मुस्लिम तीन जुमा छोड़ता है तो वो सख्त पाप का भागीदार होता है। सैयद आसिफ फिरदौसी ने यह भी बताया कि इसी तरह रमज़ान के महीने में रात में तरावी की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने के बारे में इस्लाम के पैगंबर के मुताबिक यदि कोई वबा यानी कि बीमारी है तो लोग खुद बचें और अपने घरों में रहकर इबादत कर लें। कुल मिलाकर रमज़ान में लॉकडाउन के दौरान किस तरह मुस्लिम समाज अपने घरों में इबादत करे, इसके लिए उन्होंने विस्तार से बतलाया। पेश है सैयद आसिफ से किए गए बातचीत के कुछ खास अंश। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में लॉकडाउन भी चल रहा है और सवाल ये उठता है कि रमज़ान का जो महीना होता है इसमें तरावीह की नमाज पढ़ने का एक अलग फायदा होता है, सवाब मिलता है। तो इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं धर्मनगरी अयोध्या में गद्दीनशीन हजरत सैयद शीश अलैहिस्सलाम मज़ार के गद्दीनशीन हैं सैयद आसिफ फिरदौसी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि जो रमजान शरीफ का महीना इस लॉकडाउन पार्ट टू में शुरू हो रहा है, इसमें मुसलमानों के लिए क्या एडवाइजरी है कि वो रमजान शरीफ के इस महीने को किस तरीके से जो है फॉलो करें। जी आसिफ साहब बताइए, रमजान शरीफ शुरू हो रहा है और ऐसे में लॉकडाउन भी है तो क्या एडवाइजरी है मुस्लिमों के लिए? कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए मुल्क के जो हालात हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने भी अपील किया है कि लॉकडाउन में हमें अपने घरों के अंदर क्वारंटाइन करके रखना है और आइसोलेट में रखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है जिसमें मुसलमान बड़ी तादाद में तरावीह की नमाज मस्जिदों में जाकर अदा करते हैं, जबकि जुमा की नमाज भी जमात से पढ़ी जाती थी। लेकिन यहाँ अहले इस्लाम के लिए पैगाम ये है, जैसा कि हमने जुमा की नमाज ना पढ़ करके अपने घरों के अंदर जुहर की नमाज पढ़ी, ये इस्लाम का कानून है। क्योंकि हम जिस इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब कोई बीमारी आए तो आप जिस जगह पर हैं, अगर घर के अंदर हैं तो घर के अंदर रहें, घर के बाहर हैं तो घर के बाहर रहें। इसी को दौरे हाजिर में सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि तरावीह की नमाज हम कैसे पढ़ें, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तारीख इस्लाम को पढ़ा जाए तो दौरे नबूवी में तरावीह की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, फिर उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया, उसमें भी तरावीह की नमाज जमात से नहीं पढ़ी जाती। हज़रत उमर फारूक के दौर में भी तरावीह की नमाज एक ज़माने तक जमात के साथ नहीं पढ़ी गई है। एक दिन हज़रत उमर फारूक का एक मस्जिद की तरफ से गुजर हुआ, उन्होंने देखा कुछ लोग जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। आपके दिल में ख्याल आया कि तरावीह की नमाज ईशा की नमाज इतनी देरी से क्यों पढ़ी जा रही है? बात है, रमजान शरीफ का महीना जल्द ही शुरू होगा और ऐसे में धर्मगुरु सैयद आसिफ साहब ने जो लोगों से अपील की है ये बिल्कुल सही बात है कि लोग अपने घरों में रहें, रमज़ान के पूरे रोज़े रखें और साथ ही साथ जो तरावीह की नमाज होती है, जिसको एक अहम नमाज रमज़ान शरीफ के महीने में मानी गई है, वो अपने घरों में अदा करें और मुल्क के खुशी के लिए दुआ करें। अयोध्या से HN न्यूज़ के लिए। घर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए खंड न्यूज़ 24।